Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. This is your English book, New Oxford Modern English. Yesterday we have completed all the translation of this unit, Tell Me About Grandfather, Unit 10. Now we will solve all the exercises of this chapter. लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. एक्सरसाइजेस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दर्जेल सवालात के जवाब दीजिए. What were the children learning about in class? क्या क्लास में बच्चे क्या सीख रहे थे? The children are learning about families. The children are learning about families. बच्चे क्लास में खानदानों के बारे में सीख रहे थे. Did Ali now any stories about his grandfather? Did Ali now, क्या अली जानता था any stories about his grandfather, अपने दादा के बारे में क्या अली कुछ स्टोरी जानता था? No, नहीं. तो अली जो है इसका जो डी है वो क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, साथ में नॉट लगा देंगे. अली डिड नॉट नाउ एनी स्टोरीज अबाउट हिज ग्रैंडफादर. अली कोई कहानी नहीं जानता था अपने दादा के बारे में. हुज पार्ट डिड अली प्ले. हुज पार्ट डिड अली प्ले. अली प्लेड पार्ट ऑफ हिज grandfather. Ali played part of his grandfather. अपने दादा का किरदार अदा कर रहा था या किया. What did Zara say about it being windy? What did Zara say about it being windy? जारा ने क्या कहा जब ये कहा गया कि बस जो है वो तूफानी है. जारा सेड, जारा ने कहा इट्स नॉट वेनिसडे, कि आज वेनिसडे नहीं है. आई एम श्योर, मुझे यकीन है इट इज थर्सडे, कि आज क्या है थर्सडे है. वाई, क्यों. वाई डू यू थिंक द थ्री चिल्ड्रन गिगल, आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि वो बच्चे क्यों वो दबी दबी हंसी में क्या क्यों हंस रहे थे. तो आप ऐसा क्या सोचते हैं कि वो बच्चे जो है वो क्यों दबी दबी हंसी में हंस रहे थे. द चिल्ड्रन माइट हैव गिगल्ड, बच्चे जो है वो दबी दबी हंसी में हंसे. बिकॉज दे फाउंड देयर स्टोरी फनी, क्योंकि उनको अपनी कहानी क्या लगी, बड़ी फनी लगी. बिकॉज दे वर अ बिट एम्बैरेस्ड, वो थोड़े से उनको शर्म भी आई. अबाउट परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ क्लास, क्लास के सामने उस किरदार को अदा करने में थोड़ा सा उन्होंने हिचकिचाए या शर्म महसूस की. वो इसलिए भी हंसे क्योंकि उनकी कहानी क्या थी, फनी थी. द चिल्ड्रन माइट हैव गिगल्ड, वो हंसे दबी दबी हंसी में. बिकॉज दे फाउंड देयर स्टोरी फनी, बिकॉज दे वर अ बिट एम्बैरेस्ड अबाउट परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ क्लास. अवर नेक्स्ट पेज इज 86. वर्किंग विद वर्ड्स. सम ऑफ वर्ड्स इन द स्टोरी, कुछ अल्फाज इस कहानी में हैं, वर नॉट हेयर्ड करेक्टली, जिसको सही तरीके से सुना नहीं गया था.
What did the listener hear when these words were said? क्योंकि कहने वाले ने कुछ और लफ्ज कहे थे और वो they can't hear properly, तो वो सही तरीका सुन ही सकते थे, तो उन्होंने कुछ और लफ्ज समझे. Shop, shop, hop, windy, Wednesday, Thursday, thirsty, stop, shop, bald, bored. तो उन्होंने ये लफाज बोले थे, तो दूसरे बंदे ने जो दादा के दोस्त का किरदार अदा कर रहे थे, उन्होंने ये लफाज क्या है समझे थे. The letters of the following words are jumbled. What are these words? You will find them in the lesson. कहता है कि ये जो कुछ अल्फाज हैं वो जंबल्ड हैं, मतलब कि वो अरेंज्ड नहीं हैं, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज्ड. दिस वर्ड इज जंबल्ड वर्ड एंड वी शुड रीअरेंज दिस वर्ड. तो ये बनेगा थर्स्टी, ब्लोइंग, विंडी, क्लैप्ड, गिगल्ड, शेव. Add not to the following. The bus became hot. Bus क्या थी, गर्म थी. The bus didn't become hot. तो bus गर्म ना थी, तो हमने क्या लगा दिया, second form का हमने did not लगा दिया. I shave today. तो बेटा ये regular verb है, ये irregular verb है. ed लगाया, ed वाले regular होते हैं, ये irregular, ये past indefinite है. तो हमने इसको सेकेंड फॉर्म को हमने क्या करना होता है, डिड नॉट में चेंज करना होता है. आई डिडंट शेव टूडे. दे कुड हेयर वेरी वेल. दे कुड हेयर वेरी वेल. तो यहाँ पे कुड के बाद नॉट लगा देंगे. दे कुड नॉट हेयर वेरी वेल. आई डू वॉन्ट टू गेट ऑफ एंड शॉप. आई डोंट वॉन्ट, डू के बाद नॉट, टू गेट ऑफ एंड शॉप. It is Wednesday. It is Wednesday. It is not Wednesday. I am sure it is Thursday. I am sure it is Thursday. तो हम इसके बाद क्या लगाएंगे, not लगाएंगे. Ali scratched his head. तो अली डिडेंट स्क्रैच्ड हिज हैड. तो हमने सेकेंड फॉर्म को ईडी को डिड नॉट में चेंज कर दिया. राइट क्वेश्चंस फॉर दिस आंसर्स. यूज डिड एंड वॉज. ग्रैंडफादर वॉज बोर्ड. तो हम इसको चेंज करेंगे क्वेश्चन मार्क में, या डिड लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉज. Was grandfather bored? तो क्या लगाएंगे फिर एंड पे हम, question mark. They whispered and giggled. तो ये second form है, हमने क्या करनी है, इसको did में change करना है. जब question marks वालिया वाला बनाते हैं तो did हम helping verb बाहर ले आते हैं. Did they whisper and giggle? Did they whisper and giggle? They go off to have coffee. Did they get off to have coffee? तो हम फुल स्टॉप को ख़त्म करेंगे और साथ में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. Did they get off to have coffee? Learning about language. Learning about language. Describing words. Read this passage. Look at the underlined words. Saima is a young girl. तो girl जो है noun है, young क्या है, adjective है. She lives in a big house. Her house is in a busy city. The words young, big and busy tells us about the naming words girl, house and city. Underline all the describing words. Underline all the
Describing words. Aslam is an old man. Old is a describing word. But he is a strong man. तो strong क्या है बेटा? Describing word. He lives in a small house. Small. His house is in a large village. Large is a describing word. And near a wide river. Wide is a describing word. Aslam has a fine board. Fine is a describing word. Look at this huge fish. And he is pulling out of the deep water. तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे deep आ जाएगा और यहाँ पे huge आ जाएगा. Listening and speaking. Read these words and repeat them aloud. Heat, garmi. Cook, pakana. Caught, caught. Feel, mehsoos karna. Our next page is page 88. Meet, beat. Seat. These are this word and we pick one of them and put in this line. Look, took, book. Goat, float, boat. Wheel, heel, reel. Activity. Look at these words and हम इसके साथ क्या लगाएंगे, कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड ऐड कर देंगे. ब्रिलियंट, डायमंड, तो हम नेमिंग वर्ड ऐड कर रहे हैं. डिलीशियस फूड, अगली फेस. स्ट्रॉन्ग मैन, फेमस पोइट, फेमस एक्टर. टॉल ट्री, पिंक लिप्स, पिंक रोज. स्टिकी टेप, naughty boy, poor girl. Think of something each word could describe. कहते हैं कि कुछ लफ्ज सोचिए जो वजाहत कर सकता हो. Write down the describing word from the list and your words. हमने काफ़ी describing words बना लिए हैं तो मेरे ख्याल से फिर यही काफ़ी हैं. Now, work with the classmate. अपने classmate के साथ क्या कीजिए आप, वर्क कीजिए, काम कीजिए. डोंट शो हिम और हर योर लिस्ट. अपनी जो डिस्क्राइबिंग वाली लिस्ट है उसको दिखानी नहीं है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वाली. रीड आउट वन ऑफ योर वर्ड्स टू हिम और हाउ, और रीड आउट पढ़ें वन ऑफ योर वर्ड्स और अपने अल्फाजों में को एक एक करके पढ़ें तो हिम और हर उसके सामने. तो अभी हम क्या करेंगे, इसके सेंटेंसेस बना देंगे क्योंकि लिखा है तो हमने यूज देम फ्रेजेज इन सेंटेंसेज ऑफ योर. तो जो हमने बनाए हैं उसके हमने सेंटेंस बनाने हैं. ब्रिलियंट, शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. डिलीशियस, डिलीशियस. शी सर्व्ड अस अ डिलीशियस लंच. शी सर्व्ड अस अ डिलीशियस लंच. अगली, pretty lips speaks ugly words. Strong, he has a strong body. Famous, mashhoor, he is a famous actor. वो एक मशहूर अदाकार है. Tall, लंबा. My uncle is not tall. मेरे अंकल जो हैं वो लंबे नहीं हैं. Pink, pink. She wears pink dress. She wears pink dress. Sticky. The evening was hot and sticky. The evening was hot and sticky. Naughty. Aslam is a naughty boy. Poor.
I grew up in a poor family. I grew up in a poor family. Now we have completed all the exercise of this unit 10. Tell me about grandfather. Okay, students, Allah Hafiz.